अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको आपके हैंड्स हैंडल के ऊपर कहाँ पोजीशन करने हैं, क्योंकि हैंडल का जो ये स्पेस है आप इसको ऐसे भी पोजीशन कर सकते हैं, लोग ऐसे भी पकड़ते हैं और ऐसे भी पकड़ते हैं, तो हर तरीके के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, और आइडली आपको दोनों हैंड्स कहाँ पे प्लेस करने हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हैंड्स को आप बिल्कुल लो भी प्लेस कर सकते हैं हैंडल के ऊपर। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि बैट के ऊपर कंट्रोल आपको ज़्यादा फील होगा और आपको कट और पुल शॉट्स खेलने में ज़्यादा बेटर फील होगा, ज़्यादा बैट के ऊपर कंट्रोल होगा तो ये शॉट्स खेलने में आपको इजी लगेगा। लेकिन इसका कॉन, सबसे बड़ा कॉन ये है कि अगर आपको लॉफ्टेड शॉट्स खेलने हैं या रेंज हिटिंग करनी है तो आपके हैंड्स को वो लीवरेज नहीं मिलेगी और बैट आपके हैंड्स में इतना फ्रीली नहीं मूव कर सकता। तो अगर आपको बैट स्विंग अच्छा चाहिए और आपका फ्लो अच्छा चाहिए तो ये वाली जो ग्रिप है उस चीज़ को हैम्पर करेगी। आपने बहुत बारी टीवी पे देखा होगा कि जो बड़े हिटर्स हैं जैसे कि काइरन पोलार्ड और क्रिस गेल, दे होल्ड द बैट यू नो वेरी हाई ऑन द हैंडल। तो आप ये भी एक तरीका बैट को पकड़ने के लिए। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बैट जब आपका बॉल के साथ इंपैक्ट होता है तो बैट के टर्न होने के चांसेस बहुत हैं, इसमें आपको कंट्रोल थोड़ा सा कम फील होता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको लीवरेज बहुत अच्छी मिलती है, अगर आपको बिग हिटिंग करनी है, रेंज हिटिंग करनी है तो इसमें आपका बैट फ्लो बहुत अच्छा आएगा, बैट स्विंग बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि आप बैट को ऊपर से पकड़ रहे हैं और उसके लिए जो आपके लीवर्स हैं आपको बैट को घुमाने के लिए बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। द थर्ड वे एंड द मोस्ट आइडियल वे जो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, आपको बैट को अपने हैंड्स को प्लेस करना है बिल्कुल हैंडल के बीच में, ना बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। तो इस तरीके से आपका बैट के ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा, बैट आपके हाथ में घूमेगा भी नहीं, और अगर आपको रेंज हिटिंग करनी है तो उसके लिए आपका बैट स्विंग और बैट फ्लो है वो भी हैम्पर नहीं होगा। प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली हैं या और भी जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, मैच की सिचुएशन के हिसाब से क्या उस टाइम मैच की डिमांड है वो अपनी हैंड्स की पोजीशन हैंडल के ऊपर चेंज करते रहते हैं। तो अगर मैच की सिचुएशन ऐसी है कि आपको रेंज हिटिंग करनी है, आपको लॉफ्टेड शॉट्स खेलने हैं, तो आप अपनी जो हाथों की पोजीशन है उसको थोड़ा ऊपर भी लेके आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बैट फ्लो बहुत अच्छा आएगा, बैट स्विंग बहुत बढ़िया आएगा और आपको लंबी हिट्स मारने के लिए एक थोड़ा सा इजी तरीका मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो यार, हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, डू इट राइट नाउ, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए, मैं उस पर ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थोड़ा सा प्यार दो यार, करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो 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 करो।